तिलक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा आप यहीं मिल गए। अच्छा 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 ओके जड़े भाई एक मिनट। आए भाई भाई आपको सोडे का बिल देना है। अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ जड़े भाई वो बिल तो दो। तो लेना भाई मुझे क्यों दिया जड़े भाई। हाँ भाई बिल दो मतलब बिल आप रखो। हाँ। बिल का जो पैसा है वो मुझे दो। बाद में अभी मेरे को बहुत लेट हो रहा है बाद में अपन हिसाब समझ लेंगे ठीक है चल। जेठा भाई। हाँ भाई अब क्या है ना कि वो नया साल शुरू हो गया है। हाँ। दुकान में सामान भरवाना है। हाँ। पैसे की जरूरत है प्लीज। अच्छा कितने है? बोल बोल जल्दी बोल। 987 रुपए। अच्छा अरे वाह ये ले चल 1000 पकड़े ठीक है चल। जेठा भाई। हाँ भाई छोटा तो नहीं 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 जी छोटा छोड़ नहीं छोड़ 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 जेठा भाई। हाँ भाई जब तक मैं छोटा नहीं दूंगा मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अरे भाई तो मुझे बुला लेना मैं लोरी गा के तुझे सुला दूंगा ठीक है मुझे जाना था अभी। हाँ ठीक है चल जेठा भाई। हाँ भाई छोटा तो लो प्लीज। अरे भाई नहीं जी तेरा छोटा को समझता क्यों नहीं है तेरा छोटे के चक्कर में मुझे हजारों का नुकसान हो जाएगा इधर नहीं जी छोटा। हाँ चल जेठा भाई। अरे भाई तू मेरा छुट्टा अपने पास जमा रख अपन आगे के हिसाब में समझ लेंगे ठीक है। हाँ, हाँ, चल ओके ओके। जेठा प्रा ओ जेठा प्रा जेठा भाई छोड़ी भाई को बुला रहे। अरे पंचायत सडे चल। ओ जेठा प्रा मैं कोई पेड़ हूँ और जा लोहे का दरवाजा हूँ और जा कोई दीवार हूँ। नहीं किसने बोला? वो तो फिर जैसे इन सबको नजरअंदाज करते हो वैसे मुझे को नजरअंदाज कर रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ वो क्या है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ना तो वो तुमने आवाज दी मुझे सुनाई नहीं दिया इसके लिए चलो। ओ जेठा प्रा काम की बात है। सॉरी फोन कर अपन फोन पे बात करते हैं। ओ जब हम दोनों आमने सामने फिर फोन क्यों? अरे मेरा मतलब है तू फोन कर मैं रिक्शा में जाते जाते फोन पे बात करता हूँ ठीक है चल। ओ जेठा प्रा गल सुनो ना। हाँ बोल भाई। ओ नजदीक तो आओ चला चला के गला बिठा दोगे क्या? अरे भाई वो जरूरी गल करनी है। हैं? ओए पापा जी। वो कोई जरूरी गल? क्या? वो कोई जरूरी गल है यार। क्या बोल रहा है यार? हाँ बोल छोटे। वो जेठा प्रा वो। अरे वो जेठा प्रा नया साल आ गया नया साल। कोई पार्टी शार्टी की प्लानिंग किया कि नहीं? अरे भाई यही मैं तुमसे पूछने वाला था। तो ठीक है मैं नीचे आता हूँ और बैठ के प्लानिंग करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं भाई अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है अभी अगर मैं यहाँ रुका ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे। वो ठीक है मैं अपने दोस्त का नुकसान होते नहीं देख सकता वो मैं चला। हाँ ठीक है ओके ओके। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी। हाय बबीता जी कैसे हैं? मजे में। अजय भाई जयडालर तुम यहीं पर मिल गए। मतलब वो एक्चुअली मैं और अय्यर सोच रहे थे कि हम लोग न्यूयॉर्क की पार्टी का कुछ प्लानिंग करते हैं। अजय हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर चलते कि ना बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही उम्दा उत्तम विचार है आपका बबीता जी और अय्यर भाई आपका भी। जाना ही चाहिए मैं तो कहूँगा जाएंगे ही। टप्पू के पापा। हाँ दया। बबीता जी, अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। हाय दया भाभी। टप्पू के पापा, अच्छा हुआ आप यही हो। क्यों क्या हुआ? वो आपने नाश्ता नहीं किया ना, तो जलेबी, फाफड़ा, पात्रा, कचौरी, खमर वो सब पैक करके टिफिन दे दूँ, आप दुकान जाके खा लेना। ये जेठालाल, तुम नाश्ते में इतना दारा खा दो? फिर तो तुम्हारा नाम जयडालाल गड़ा नहीं जयडालाल बर्तन वाला होना चाहिए। नहीं 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 जयडालाल बर्तन वाला भी नहीं जयडालाल बर्तन खाने वाला होना चाहिए। बबीता जी अय्यर मैं इतना सारा नहीं खाता हूँ बबीता जी ये सारा नाश्ता तो दया ने दरअसल सुंदर आ रहा है ना अभी अहमदाबाद से तो उसके लिए बनाया है। अय्यर भाई टप्पू के पापा इतना नहीं खाते। हाँ इससे भी ज्यादा खा सकते हैं। दया सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कहाँ? अरे दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बागा! अरे!
भगवान भी कमाल है, पहले तितली दिखाते हैं, फिर तीती घोड़ा। ये चूना लगाने की मशीन मुझे आटे में ले, उसके पहले मुझे निकलना होगा। बेना! बाप रे, ये भी आया है। नास्तो नास्तो हाँ, नास्तो तैयारी है। अरे हास्तो बोल रहे, क्या नास्तो सुनाई नहीं दिया ठीक से? सॉरी, हुआ खुशी के मारे कान भर आए। गोकुलधाम वासियों को बक्का का हाय हेलो, हाउ आर यू? हेलो हेलो हेलो। इसका नाम बक्का नहीं, पक्का होना चाहिए था। आइए आइए बक्का भाई। सुकम पधेरा, अब भले पधेरा, चलो मैं निकलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? हिमालय। अरे दुकान जा रहा हूँ भाई, और कहाँ जाऊंगा मैं? अरे माय डियर जीजा जी, अब दो चार मिनट रुक जाओ ना, मुझे आपसे जरूरी काम है। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे निकलना ही पड़ेगा। चलो ओके ओके बबीता जी। नॉट ओके। क्या ये डॉलर, तुम्हारा साला सुंदरलाल इतनी दूर अहमदाबाद से तुमको मिलने के लिए आया, और उसके लिए तुम्हारे पास दो मिनट का टाइम नहीं? पिछले साल से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने की सोच रहा था, फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना बढ़िया पार्टी देकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाए, जिसमें डीजे, डांस, म्यूजिक, मस्ती, फन, एकदम जलसा ही जलसा हो। जलसा पार्टी 2014। क्या बात। अच्छा तो मतलब ये पार्टी के लिए तू मुझसे फाइनेंस मांगने आया? क्या जीजा जी, पैसा पैसा करते हो, पैसे पे ही मरते हो। अरे भगवान की दया से पैसा तो बहुत है। भगवान की दया से नहीं, दया के भगवान से बोल। तो भाई तुझे फाइनेंस नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? लाइसेंस। मैं आरटीओ में काम नहीं करता हूँ भाई। जीजा जी आप समझे नहीं? तो समझाइए। माय डियर जीजा जी, ये जलसा पार्टी 2014 गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में करना चाहता हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरा क्या आइडिया है, मस्त आइडिया, मजा आ जाएगा सबको। अरे वाह सुंदरलाल, मस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। थैंक यू। अरे क्या मजा आएगा, एकदम बकवास आइडिया है। अरे सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी पार्टी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती जेठा जी, इनफैक्ट इससे ब्रिलियंट आइडिया, आखिर असली मजा तो सबके साथ ही आता है। मेरे वीरा के दिमाग में हमेशा एक से बढ़कर एक आइडिया आते हैं। भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे। करो करो वीरा, जलसा पार्टी का आयोजन गोकुलधाम सोसाइटी में ही करो। अरे क्या करो, अरे भाई ऐसा हम लोग नक्की नहीं कर सकते। सोसाइटी में पार्टी करने के लिए पहले सोसाइटी का सेक्रेटरी की परवानगी लेनी पड़ती है। तो एक काम कर भाई, तू पहले जाके भीड़े को पूछ। हा? लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुझे परवानगी देगा। देखा बेना, माय डियर जीजा जी मेरे लिए कितना टेंशन लेते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए हाँ जीजा जी, क्योंकि मेरे पास भीड़े भाई के लिए ऐसा ऑफर है कि वो मना कर ही नहीं पाएंगे। कैसा कैसा ऑफर? जीजा जी आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तो फिर आपको क्यों बताऊं? ठीक है जो करना है करो, मैं निकलता हूँ। अरे माय डियर जीजा जी, आज आप रिक्शा में मत जाना, मैंने बाहर आपके लिए टैक्सी रुका के रखी है, आज आप उसी में जाना। हाँ अब्दुल भाई के दुकान के बाहर ही खड़ी है, और वो भी एसी वाली, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। नहीं 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 भाई, वो एसी से मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, जरूर नहीं है भाई। हाँ तो एसी मत चलाना, गाड़ी के कांच खुले रखना।
नहीं नहीं भाई, मुझे रिक्शा में मजा आता है, मैं रिक्शा में निकल जाऊंगा, प्लीज तू रहने दे। कैसी बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी, मेरे होते हुए आप रिक्शा में जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ आपको सुंदर भाई की कसम। हाँ जेठालाल, अरे तुम तो कितने नसीब वाले हो कि तुमको सुंदर लाल जैसा साला मिला। मेरे हिसाब से तुमका टैक्सी में ही जाना चाहिए, वरना बेचारे सुंदर लाल का दिल टूट जाएगा। टुपू के पापा, आप रोज तो रिक्शा में जाते हो, आज वीरा ने स्पेशल आपके लिए टैक्सी रुकाई है, तो टैक्सी में जाइए ना, वीरा का दिल खुश हो जाएगा। हाँ जीजा जी। हाँ जेठा जी। ठीक है चलो। ओके तो हम लोग भी चलते हैं। ओके बाय, सी यू। बाय बाय। जीजा जी यही टैक्सी है, ब्लू वाली। अरे भाई, अरे जीजा जी चिंता मत करो, मुसाफरी के पैसे दे दिए। दे दिए? हाँ दे दिए। अरे पैसों का टेंशन नहीं है भाई, मैं बोला रिक्शा में मजा आता, कोई बात नहीं, चल ना भाई चल। बाय जीजा जी। तू राजी रे भाई, मुझे क्या है। अरे बेना देखना, अगर भिड़े भाई ने पार्टी की परमिशन दे दी ना, तो ऐसी पार्टी करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ वीरा, मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है। ओ, 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 सुंदर लाल, भाभी और बक्का भाई साथ में, क्या बात है। आइए आइए आइए। कहाँ भाई आप लोग, बैठे ना बैठे। हाँ आइए। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, बैठना नहीं है, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। अच्छा क्या काम है? भिड़े भाई, इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आयोजित करना चाहता हूँ। उसकी मैं टिकट भी रखूंगा और बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, और ऐसी पार्टी करूंगा जिसकी बात मत पूछो, एकदम जाकम जोर पार्टी करूंगा। ए पाल्टे, ए न चालू बंद थते लाइटो अन पग नाचवा मड़े एवं म्यूजिक जलसो पड़े जैसे बापू। नहीं तुम्हारी बात साची छे बका भाई, पण एमा आउ छे के त्याच्या मध्ये ना, हां मतलब देखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ऐसे परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि कंपाउंड जो है वो सोसाइटी का है ना, तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। बेटा भाई मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, आपका खाना पूरा नहीं हुआ है, तो भी बीच में आप खाना छोड़कर हाथ धोकर खड़े हो जाते हो। नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं धोने चाहिए। अरे एक मिनट, क्या कभी नहीं धोई भी नहीं, क्या मतलब, नहीं मतलब क्या है तुम्हारा। बेटे भाई पहले आप मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में हाथ क्यों धो देते हो, मतलब क्या बीच में बात क्यों काट देते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, कर हाँ बोलो पूरी बात क्या है। बेटे भाई अगर सोसाइटी मुझे पार्टी के लिए कंपाउंड देगी, तो मैं सोसाइटी को भाड़ा दूंगा 1,00,000 रुपए, और सभी सोसाइटी मेंबर को सोसाइटी में एंट्री फ्री। सोसाइटी में एंट्री फ्री मतलब के पार्टी के लिए सभी सोसाइटी मेंबर को एंट्री फ्री। या मतलब पार्टी में एंट्री फ्री और 1,00,000 रुपए में। मतलब ये तो ऐसा ही हुआ ना कि शादी में खाना खाया और कवर भी मिला। मतलब कि पूरी सोसाइटी खुश हो जाएगी। अरे सालों साल तक गोकुलधाम सोसाइटी याद रखेगी कि सेक्रेटरी भिड़े भाई के जमाने में एक बार न्यू ईयर की शानदार पार्टी हुई थी। ए पाल्टी, एन बंद चालू थते लाइटो। अरे याला बंद करा कोणी तरी। देखिए एक मिनट, मतलब मैं समझ गया सुंदरलाल, लेकिन क्या है ना कि मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं। हाँ बरोबर है, लेकिन एक मेंबर की परमिशन है। हाँ कौन? मैं। थैंक यू बेटा, मम्मी थैंक यू। उसकी मेंबर की तैयारी है। चलो चलो चलो, परमिशन मिल गई, चलो चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। नहीं एक मिनट, अरे ऐसे थोड़ी होता है दया भाभी, एक काम करते हैं, हम लोग आज सोसाइटी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें मैं ये प्रस्ताव रखूंगा कि भाई सुंदर भाई ने ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखा है, तो अगर सब लोग मान जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू भिड़े भाई। बस तो ये तय रहा कि आज रात को सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग हो रही है।
विशेष सूचना, जलसा पार्टी 2014 के लिए सोसाइटी कंपाउंड भाड़े पर देना है। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आज रात ठीक 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग है। सभी सदस्य समय पर आ जाए, वरना जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका सभी को पालन करना पड़ेगा। आ तू भिड़े। अरे मैडम आप बेझिझक ले जाइए, ये वॉशिंग मशीन का यूज इतना आसान है ना कि कभी आप घर पे नहीं होंगी ना तो आपके हस्बैंड भी इसे यूज करके कपड़े धो पाएंगे। अच्छा, इसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी? बस अभी 1 घंटे में, और हमारा आदमी आकर आपको डेमो भी दे देगा। ओके थैंक यू। वाह नट्टू काका, आज सुबह सुबह जल्दी बोनी हो गई। नहीं यस बागा बेटा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ आओ बावरी बेटा आओ। हेलो बागेश्वर जी। अरे बावरी जी आप यहाँ? हाँ। प्लीज आप यहाँ बार बार मत आइए, हमारे सेठ जी नाराज हो जाएंगे। जी बागेश्वर जी, मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए मैंने खुद को रेड सिग्नल भी दिखाया ताकि बार बार मैं यहाँ आकर आपको डिस्टर्ब ना करूं। तो फिर आपने सिग्नल क्यों तोड़ा? अभी आरटीओ वाले आते ही होंगे। वो बात इतनी जरूरी थी कि सिग्नल फिर से ग्रीन हो गया और मैं यहाँ आ गई। ऐसी क्या जरूरी बात थी बावरी जी? मैं ये पूछने आई थी कि आपने नए साल की पार्टी के बारे में क्या सोचा है। मैं तो सिर्फ माल खरीदने वाली और माल बेचने वाली पार्टी के बारे में ही सोचता हूँ। ऐसे नाच गान वाली पार्टी से भला मेरा क्या वास्ता। बागा बेटा आई अग्रीड, वर्क इज वर्शिप, बट ऐसी चीजों में भी थोड़ा थोड़ा रस लेना चाहिए। आई थिंक तुम्हें बावरी को किसी पार्टी में लेके जाना चाहिए। बस इधर 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 बस 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 थैंक यू भाई। सिर्फ थैंक यू से कम नहीं चलता बॉस, पैसा हलवा पड़े। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? अरे क्यों उसने नहीं बोला, मुसाफरी का पैसा दे दिया, तुमने हाँ भी बोला। अरे वो तो चाय पानी नाश्ते के लिए रास्ते में होटल में रुके थे, और उस होटल का नाम था मुसाफरी रिफ्रेशमेंट। सुंदर भाई के पास छुट्टे नहीं थे करके बिल मैंने चुकाया था, तो वो मुसाफरी होटल के बिल का पैसा उन्होंने मुझे दिया है। बाकी अहमदाबाद से मुंबई की मुसाफरी के पैसे तो बाकी ही है, चाहे तो आप फोन करके पूछ लो। नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भले हम पहली बार मिले लेकिन मुझे तुम पे ज्यादा विश्वास है। थैंक यू। कितना हुआ? 7,000 रुपए। फिक्स है? 7,000 नो चांगलो, वर्षों से फिक्स है। छे लो। अरे ये क्या चल रहा है, काम का छोड़ के शर्मा शर्मी क्या चल रही है? ये क्या गार्डन है? अरे आपसे गलती से मिस्टेक हो गई है, ये गार्डन नहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। बागा देखिए आपको डांटना है तो मुझे डांटिए, इसमें बागेश्वर जी की कोई गलती नहीं है। अरे मुझे काम था इसीलिए आई हूँ। हाँ तो बोलो क्या खरीदना है? नहीं खरीदना तो कुछ नहीं है। तो हाँ भीड़े बोल। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हारे साले साहब आए थे मेरे पास सुंदरलाल एक ऑफर लेकर। और तूने उसकी ऑफर को ठुकरा दिया ना? शाबाश बहुत बढ़िया काम किया तूने भिड़े। ये सुंदर का क्या है, नेता लोग जैसा ही है, बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम कुछ नहीं। जेठालाल मेरी बात तो सुनो, मैंने उसकी ऑफर को ठुकराया नहीं है, बल्कि उसी ऑफर पर बातचीत करने के लिए मैंने आज रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है 9 बजे। अरे भाई भिड़े मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी, सीधा ना बोल देना चाहिए था ना कि भाई सोसाइटी कंपाउंड में नए साल की पार्टी नहीं हो सकती। तू भी नेता से कम नहीं है। जेठालाल ये सोसाइटी का मैटर है, मैं अकेला फैसला कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई रात को 9 बजे। भाई मैंने तुम्हें स्पेशली इसलिए फोन किया है ताकि तुम टाइम पर मीटिंग में आ जाओ, हमेशा की तरह लेट मत करना। अब भाई मैं तेरा कोई विद्यार्थी नहीं हूँ जो तू हमेशा मुझे टाइम को लेकर भाषण देता रहता है। पहुंचाऊंगा मैं 9 बजे, चल अभी फोन रख। अरे वाह आपकी सोसाइटी में नए साल की पार्टी है जलेबी लाल। अरे जलेबी लाल नहीं जेठालाल। गलती से मिस्टेक हो गई। अरे डू नॉट वरी बेटा, हमारे सेठ जी का दिल तो जलेबी से भी मीठा है। तो सेठ जी पार्टी कब है, हम लोग आ सकते हैं ना? हाँ सेठ जी, प्लीज ना मत कहना, हम और कहाँ जाएंगे। अरे भाई अभी तय नहीं हुआ है,
सोसाइटी में पार्टी है कि नहीं वो तय करने के लिए आज सोसाइटी में रात को मीटिंग बुलाई गई है। परमिशन जरूर मिलेगी और हम भी पार्टी बनाएंगे ये। और मैं जा रही पार्टी की शॉपिंग करने। बाय। हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मीटिंग में सुंदर के खिलाफ निर्णय आए ऐसा करना। मेरा मतलब है पार्टी जरूर हो लेकिन सुंदर आयोजित ना हो। दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, आप जिस चीज से दूर भागते हैं वही चीज आके टकराती जरूर है। अब जेठालाल सुंदरलाल से दूर दूर भागते हैं लेकिन सुंदरलाल जेठालाल को मिल ही जाते हैं और सुंदरलाल मिलते हैं नए नए आइडियाज के साथ। अब देखिए ना, गोकुलधाम सोसाइटी वालों को उन्होंने जलसा पार्टी के लिए क्या शानदार ऑफर दिया है। ऑफर ऐसा कि कोई नकार भी ना सके, लुक्रेटिव ऑफर है साहब। अब देखना ये होगा कि गोकुलधाम निवासी क्या करते हैं। भाई अगर रोटी सिकती है आपकी भूख मिटाने के लिए तो जलना तो लकड़ी को पड़ता है। अब आप सोचेंगे भाई ये कौन सी कहावत हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो चीज भी आपके भले के लिए होती है उसमें किसी ना किसी को त्याग जरूर करना पड़ता है। अब देखते हैं यहां ये है कि किसकी रोटी सिकती है इस ऑफर में। भाई ये जलसा पार्टी किस ढंग से होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले सवाल ये है ये पार्टी होगी या नहीं होगी। अब जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.